ये क्या है? इस जंगल में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। सुंदर आश्चर्य। कौन हो तुम लोग? हम शूरवर्धन गांव में रहते हैं। परंतु इस जंगल में तुम दोनों अकेली कैसे? परंपरा का पालन कर रहे हैं हम दोनों। कैसी परंपरा? हम दोनों देवदासियां हैं। हमारी माताएं भी देवदासी थीं। अपने कुल की परंपरा और माताओं की आज्ञा अनुसार हम यह नृत्य करते हैं। परंतु देवदासियां तो मंदिर में नाचती और गाती हैं, जंगल में नहीं। यहाँ भी एक मंदिर था जहाँ हमारी माताएं नृत्य करती थीं। किसका मंदिर था यहाँ? वो तो हमें नहीं पता। हमें जो घर में बताया गया हम वही रीत निभा रहे हैं। उन दोनों लड़कियों के कहने पर राजा सोच विचार करने लगे। दूसरे दिन उन्होंने खुदाई का काम शुरू करवाया। जब खुदाई करते करते नीचे पहुंचे तो वहां दो वैभवशाली मंदिर थे। उनके द्वार बंद थे। जब अंदर गए तो वहां केशव स्वामी की दो मूर्तियां देखी, जिनके कपाटों पर लिखे हुए शब्दों से पता चलता था कि ये मूर्तियां राम और लक्ष्मण ने वहां रखवाई थी। ललितादित्य ने बड़े आदर भाव से दोनों मूर्तियों को दोबारा प्रतिष्ठित करवाया। वितस्ता के दोनों किनारे छोटी नदियां बनवाई गई ताकि कश्मीर के लोगों को पीने के लिए पानी मिल जाए। उसके बाद मारतंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया। इसके खंडरात आज भी मटन अच्छा बल के रास्ते पर मिलते हैं। अपनी राजधानी परिहासपुर में ललितादित्य ने परिहास केशव की मूर्ति लगवाई। आज जो ढलान गोवर्धन पहाड़ के अंचल में है वहां भी ललितादित्य ने एक गोवर्धन मंदिर बनवाया था। उन्होंने 54 हाथ लंबा स्तंभ बनवाकर उस पर पत्थर से बनी गरुड़ की मूर्ति लगवाई थी। ये नया नगर परिहासपुर इतना सुंदर होगा हमने सोचा भी न था। अगर हम आपको वास्तुकला का माहिर कहें तो गलत न होगा। नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो प्रजा का सेवक मात्र हूँ। जब मैं विजयी होने के लिए यात्रा पर निकला मुझे मालूम नहीं था कि मैं इतना धन इकट्ठा करूंगा। वही धन मैं प्रजा के हित के लिए व्यय कर रहा हूँ। अगर हम भी कुछ बनवाना चाहें तो? बोलिए, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। मैं एक हाट बनवाना चाहती हूँ जहाँ व्यापार हो सके। क्यों नहीं, मैं उसका नाम कमला हाट रखूंगा, ठीक है ना? मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है तो उसमें कमल भी होने चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें कभी कभी जलप्रिया कहता हूँ। और मैं एक चश्मा खुदवाना चाहती हूँ जिसका पानी अमृत जैसा हो। पानी ऐसा हो कि रोगियों के कष्ट दूर हो जाए। कितनी अच्छी बातें करती हो, बहुत सुंदर है। महाराज, अंत में एक और प्रार्थना है। मैं एक ऐसा नगर बनवाना चाहती हूँ जहाँ प्रजा के लिए सारी सुविधाएं हों। उस नगर को हम पुकारेंगे चक्रपुर। उसके लिए मैं धन दूंगा पर उसकी निगरानी तुम्हें करनी होगी। स्वामी, मुझे स्वीकार है, ये मेरा सौभाग्य है। ललितादित्य कोई भी निर्णय बिना देरी किए लेता था। यही कारण है कि 37 साल की उम्र के दौरान उसने इतने सारे काम किए। परंतु ललितादित्य जैसा महान राजा भी गलतियां करता था जिसका एहसास लोग उसे कराते रहते थे। एक दिन उसने रानी के सामने मदिरा पान किया और सुध बुध खो बैठा। चक्र मुद्रिका, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्रिय हो तुम मुझे। तुमने चक्रपुर को बहुत सुंदर बसाया है, बहुत सुंदर मकान बनवाए हैं वहां। स्वामी, ये तो आपका बड़प्पन है। तुम्हारे काम से वहां लोग बहुत खुश हैं। किंतु स्वामी, आपके परिहासपुर जैसा सुंदर नगर कोई और नहीं है। मित्र शर्मा, सुन रहे हो तुम? हाँ राजन, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ उस प्रवर सेन का
नगर प्रवरपुर सुंदर है या मेरा परिहासपुर सुंदर है? महाराज, हमारे परिहासपुर की किसी भी नगर से तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा परिहासपुर सुंदर है, भव्य और अद्भुत है। फिर वो उजाला कैसा? महाराज, ये प्रवरपुर का उजाला है। हाँ? नहीं नहीं, मेरे परिहासपुर से सुंदर कोई भी नगर नहीं हो सकता। नहीं महाराज। जाओ जाओ, प्रवरपुर को आग लगा दो, जला दो उसे। ये आप क्या कह रहे हैं? जाओ प्रवर सेन के प्रवरपुर को जला दो, आग लगा दो। जो आज्ञा महाराज, अभी जला डालेंगे। चक्र, तुमने कान्य कुब्ज में बसाया हुआ मेरा नगर ललितापुर नहीं देखा है? वाह, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत। डालो मदिरा, डालो, डालते जाओ, जब तक प्रवरपुर भस्म नहीं हो जाता, मैं तब तक पीता रहूंगा। प्रवरपुर भस्म हो जाएगा, मैं तो मदिरा पीता रहूंगा, मैं मदिरा पीता रहूंगा। महाराज ललितादित्य की जय जयकार! 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 मित्र शर्मा, मेरे अंतःकरण में एक तूफान सा उठ रहा है, बहुत ही दुखी हूं मैं। महाराज, ये क्या कह रहे हैं? मेरे द्वारा एक घोर अपराध हुआ है। महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? कल की रात अंतापुर की खिड़की से मैंने प्रवरपुर को भयानक आग में जलते देखा। उस समय मैं होश में नहीं था, मगर अब मैं समझ रहा हूं, मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। महाराज, आपने कोई पाप नहीं किया। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे आदेश से सारा प्रवरपुर भस्म हो गया और आप कहते हैं मैंने पाप नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, आपने कोई पाप नहीं किया। महाराज, प्रवरपुर तो जला ही नहीं। मगर मैंने उसे खुद जलते देखा। वो प्रवरपुर नहीं था, कुछ और था। फिर क्या था वो? महाराज, आपकी आज्ञा कौन टाल सकता है? जब आपने रात आदेश दिया कि प्रवरपुर को भस्म कर दो, मैं दुविधा में फंस गया था। सोच रहा था कि क्या करूं, फिर मैं एक जगह गया, वातोलानक। महाराज, वहां पर घोड़ों के लिए सूखी घास के बहुत सारे ढेर रखे हुए थे, मैंने उसमें से कुछ जला दिए। आपने वही जलते देखे? मित्र शर्मा, क्षमा महाराज, मगर यही सच है महाराज। मैं तुम्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, तुमने मुझे एक अपराध करने से, पाप करने से बचाया। प्रवरपुर जला नहीं है, ये समाचार देकर तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया। महाराज, अपने चांद के उजाले को भला कैसे ग्रहण लगा सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था। सुनो, गौर से सुनो, जब कभी भी मैं मदिरा पीकर कोई आदेश दूं, उस आदेश पर कभी अमल ना किया जाए, ये मेरा आदेश है। महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। कहीं कोई अपराध ना हो या कोई कहीं गलत काम ना हो, इसलिए राजा ललितादित्य समय समय पर आदेश देते रहते थे, आज्ञाएं जारी करते रहते थे।
पर जब वो कभी किसी मुहिम पर जाते थे तो उनका सारा कामकाज उनके मंत्री संभालते थे। एक बार वो ऐसे ही काफी समय के लिए कश्मीर से बाहर रहे। कलन लिखते हैं कि जब काफी समय तक उनका कोई समाचार नहीं मिला तो मंत्रियों ने संदेशवाहक को भेजा। कुछ दिनों बाद वो ललितादित्य का आदेश लेकर वापस आया। इस सभा की शोभा बढ़ाने वाले सभी सभासदों, हमारे राजा ने हमारे लिए संदेश भेजा है, पढ़कर सुनाता हूँ ताकि हम प्रजा के हित में काम करें और परंपरा पर चलें। सभी सभासद इसे ध्यान से सुने। महाराज लिखते हैं, मैं नए आक्रमण करके विजयी हो रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा जल्दी वापस आना संभव नहीं। मेरे पीछे दरबार के सारे कामकाज ढंग से चलने चाहिए। मैं उसके लिए अपने कुछ आदेश भेज रहा हूँ। राजपाट का काम करने वालों को बिना किसी भय के काम करना चाहिए। अधिकारियों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी प्रजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। आसपास के पर्वतों पर रहने वालों को अपने वश में रखना चाहिए। किसानों से अनाज लेकर सिर्फ एक साल तक ही रखें। उनके पास उतने ही मवेशी हों जितने की खेती बाड़ी के लिए जरूरी हों। सामन चंकणू, भला राजा ने ऐसा क्यों लिखा होगा? उन्होंने इसका कारण लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। अगर ऐसा ना हो तो वो शहर की ओर आएंगे। अगर उनके पास धन ज्यादा हो गया तो वो बन जाएंगे गंवार और अड़ियल और तोड़ेंगे नियम। ये सही है। अगर जमींदारों को शहरी जीवन जीने की आदत पड़ गई, अगर राजपाट की सेवा करने वाले भ्रष्ट हो जाएं, अगर पैदल सैनिक और घुड़सवार एक ही क्षेत्र के हों, अगर शासक आपस में शादी करके संबंध बढ़ाएं, अगर शासक लालची और प्रजा को धोखा देने वाले हों, तब समझिए कि किसी भी प्रजा के दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। महाराज ने ये सब क्यों लिखा है? ताकि हम लोग कोई भी गलत काम ना करें, किसी भी अंदर के या बाहर के शत्रु का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में भी लिखा है। मेरे दो पुत्र हैं, कुमलादित्य और मिरंजादित्य, लेकिन दोनों का स्वभाव भिन्न है। क्या किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया है? हाँ, ऐसा ही लिखा है। मेरे बड़े पुत्र कुमलादित्य को राजपाट का उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा, हमारा सौभाग्य है। उन्होंने आगे लिखा है, अगर उसके भीतर अच्छे गुण ना हो तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और उसको हटा दिया जाए। इस आज्ञा पत्र से हमें लगता है कि वो क्या? वो ये कि हो सकता है महाराज शायद जल्दी वापस ना आ सके। मुझे भी यही लगता है। ऐसे में हमारे उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाते हैं। हमें इसी आदेश पत्र को अपना राजा मानना चाहिए, इसके नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम ठीक तरह से राज दरबार का काम निपटा सकें। बहुत ठंड लग रही है, सारा शरीर ठंडा पड़ रहा है। हम बर्फीली चट्टानों में फंस गए हैं। तुमने लालच दिया और कहा कि धन मिल जाएगा, यहाँ बर्फ और ठंड है जिससे सारा शरीर ठंडा पड़ रहा है। कितनी भयंकर और जबरदस्त ठंड है, सूरज भी नहीं निकल रहा। कितना अंधेरा है चारों तरफ, अब तो सिर्फ मौत का इंतजार है। महाराज, सारे सैनिक भयभीत हैं। कैसा भय? मृत्यु का भय महाराज। आज कितने ही दिन हो गए हैं, सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे, दिन में भी अंधेरा है, लगता है धूप नहीं निकलेगी। फिर खाने पीने के सामान को संभाल कर रखना होगा हमें। महाराज, उनमें भी कमी होने लगी है। और घोड़े वगैरह कहाँ हैं? महाराज, उनको गोदामों में रखा गया है क्योंकि गोदाम खाली हैं। सेनापति कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बर्फ के उस तरफ जा सके? मैं उसे धन दूंगा बहुत सारा। नहीं महाराज, इस हिमपात में वहां कोई नहीं जाएगा। हे केशव, हे ईश्वर, हमारी रक्षा करो, हमें इस संकट से निकालो। इस महान और बहादुर राजा के अंतिम समय के बारे में कल्लन ने कुछ नहीं लिखा, मगर इतिहास का हवाला देते हुए वो ये लिखते हैं, एक बार बहुत दूर के इलाकों में काफी भारी बर्फबारी हुई। मेरे बहादुर सैनिकों,
मुझे और कश्मीर को तुम पर गर्व है। हमने साथ साथ इस समुद्र को लांग दिया है, पर्वतों और पहाड़ों को रौंद डाला है हमने साथ साथ, बहुत से देशों में हम घूमे हैं, लेकिन आज हिमपात के कारण हम यहां रुकने को बाध्य हैं। सूर्य भी निकलेगा, फिर धूप निकलेगी, हम आगे बढ़ेंगे। हम कब तक यहां रुके रहेंगे भला? खाने पीने का भी सारा इंतजाम हो जाएगा। हमने जिस व्यापारी से खाने पीने का सामान मंगवाया है, वो किसी भी समय यहां आ सकता है। उसको इन पहाड़ों और जंगलों के सारे रास्ते मालूम हैं। वो इन बर्फीले रास्तों से कभी भी आ सकता है, लेकिन तब तक हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत से। महाराज, इस ठंड में खाए बिना चैन नहीं मिलता। सैनिकों, संकट के समय त्याग करना पड़ता है, ऐसे समय में बलिदान देना पड़ता है। ये संकट तभी दूर होगा जब हम बलिदान देंगे। मुझे लगता है इसका एक ही उपाय है कि मैं आत्मदाह करूं, तभी ये मौसम बदल सकता है। महाराज, ऐसा मत कहिए। मौसम बदलेगा, मुझे आत्मदाह करने दो। देखो देखो आकाश की ओर, लगता है फिर बर्फ गिरेगी। महाराज, जब सैनिक घर से निकलता है तो उसको मालूम होता है या वो जीत कर आएगा या फिर मरकर। उसे मौत का भय नहीं होता। हमारे सभी सैनिक निराहार रह सकते हैं। महाराज, कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है। जो होगा सबके साथ होगा, आप क्यों आत्मदाह करेंगे? सैनिकों, मुझे एक भयानक आंधी का एहसास हो रहा है। ये आंधी बहुत ही भयंकर होती है। सब लोग यहीं रुक जाओ, अपनी जान की रक्षा करो। सेनापति, तुम भी यहीं रहो। जो आज्ञा महाराज। हे ईश्वर, हे केशव, मेरे सैनिकों की रक्षा करना। एक इतिहासकार का हवाला देते हुए कलन लिखते हैं कि राजा ललितादित्य बर्फीले तूफान में खो गए। कोई किसी से कहे सूर्य डूब गया, कोई कहे समय रुक गया, कोई कहे सूर्य अस्त हो गया। शासन करने वाला, लोगों को सुख पहुंचाने वाला महान बादशाह बर्फ की बलि चढ़ गया। ऐसी स्थिति में सखु वर्मन का बेटा अवंती वर्मन राजा बनाया गया और राजगद्दी पर बैठाया गया। राज तरंगनी के पांचवें भाग में राजा अवंती वर्मन के कामकाज का पूरा उल्लेख है। उन्होंने अवंतीपुरा में दो बहुत बड़े मंदिर बनवाए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने अपने दुश्मन खत्म कर दिए। उसके बाद उन्होंने बाकी कार्यों का जायजा लिया। मेरे प्रिय और गुणी मंत्रियों, पिछले कुछ समय से हम अराजकता के कारण व्यस्त रहे, लेकिन अब ये सारी अराजकता खत्म कर दी गई है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में खुशहाली हो। बुद्धिमानों और विद्वानों का हमारी इस सभा में सम्मान हो। हमेशा प्रजा की भलाई का काम होना चाहिए, प्रजा को सुख मिलना चाहिए, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने ये जिम्मेदारी बुद्धिजीवी शूर वर्मन को दी है। महाराज, जो गुणवान और विद्वान लोग मैंने चुने हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनका परिचय करवा दूं? अवश्य करवाइए, क्यों नहीं। महाराज, ये हैं शिवस्वामी। नमस्कार महाराज। नमस्कार, आयुष्मान भव। महाराज, ये कवि हैं और साथ ही नाटक भी लिखते हैं। आपका हमारी सभा में स्वागत है। बताइए, आजकल क्या रच रहे हैं? महाराज, मुझे बौद्धाचार्य चंद्रमित्र ने प्रेरणा दी है। शिव भक्त होते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रेमी हूँ।
महाराज, मैंने कुछ छोटे मोटे नाटक लिखे हैं और कुछ कविताएं भी लिखी हैं, परंतु अब एक महाकाव्य लिख रहा हूँ। महाकाव्य का नाम क्या है? महाराज, ये राजा कपिल की कथा पर आधारित है और उसका नाम है कपिनाई विद्या। अति सुंदर। महाराज, ये महाकवि आनंद वर्धन है। इन्होंने काव्य अलंकारों का सूक्ष्मता से वर्णन किया है। इनकी रचनाएं कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सभा में आप जैसे विद्वान हैं। महाराज, ये रत्नाकर राजा नंद हैं। नमस्कार। नमस्कार। कहिए, आपकी नई रचना कौन सी है? महाराज, मैंने हरकी नाम का महाकाव्य कुछ दिन पहले ही लिखा है। ये रचनाकार हैं, इनका सदा सम्मान होना चाहिए। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। चलिए, हम सब लोग अवंती सामंत चलते हैं, वहां मंदिर बनने के काम का निरीक्षण करेंगे।